लद्दाख में कोविड 19 के कल हमको 17 रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें से 11 जो है वो कारगिल के थे और 6 जो है ले ज़िले के थे। 17 जो हमारे रिजल्ट आए सारे नेगेटिव हैं। पूर्व में हमने आप लोगों के सामने बात रखी थी कि स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं वो पॉजिटिव आए थे, तो अच्छी बात यह है कि उनके जो लेटेस्ट 2 रिजल्ट्स हैं वो दोनों नेगेटिव आए हैं। उसको देखते हुए लद्दाख में पूर्व में जो 13 हमारे पॉजिटिव केसेस थे उसमें से अब सिर्फ 10 बच गए हैं और 3 हमारे बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर लिया है, पर क्योंकि वो थोड़ा कमज़ोर है तो उनको हम लोगों ने क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखा है और 14 दिन के बाद उनको हम लोग उनके घर भेज देंगे। हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं 13 के 13 जो पूर्व में थे अभी जो 10 है उनकी हालत बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल ही सामान्य तरीके से बिहेव कर रहे हैं और ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। उम्मीद है कि वो लोग भी बहुत जल्दी ही नेगेटिव हो जाएंगे। आपको जानकारी है कि ज़िला प्रशासन कारगिल ने कल ही कुछ सख्त कदम उठाए हैं। ये कदम उन लोगों के खिलाफ था जो कि विदेश गए थे, पर उन्होंने जब डिटेल्स मांगा जाता है उस समय ये डिटेल्स छुपाए थे। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर दोनों ज़िला अधिकारी को ये पावर है कि वो ऐसे किसी भी शख्स जो कि अपनी विदेश यात्रा को छुपाते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन ले। तो आपके माध्यम से हम लोग दोबारा निवेदन करते हैं कि कोई भी अगर ले और कारगिल से विदेश गया हो और उसने ये बात या तो एयरपोर्ट पर छुपाई हो या ज़िला प्रशासन के सामने ये बात नहीं रखी है, तो तुरंत ही जिलाधिकारी के ऑफिस में जाकर इस बात को रिकॉर्डेड करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी हम लोग बहुत शीघ्र ही सख्त कदम उठाएंगे।